मंत्री हरीश रावत ने सूबे के मुख्य सचिव एन रविशंकर और मुख्य सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति को चारधाम यात्रा मार्ग पर पेट्रोल डीजल की आपूर्ति को लेकर निर्देश दिए हैं। दरअसल सीएम को यात्रा मार्ग पर पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर शिकायतें मिली थीं। यहां पर पेट्रोल डीजल को लेकर शिकायतें मिल रही थी सीएम को, जिसके चलते उन्होंने आदेश दिए हैं कि जो उसकी आपूर्ति है उसे दी जाए, करी जाए। इसके लिए मुख्य सचिव एन रविशंकर और मुख्य सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति को चारधाम यात्रा पर पेट्रोल डीजल की आपूर्ति को लेकर निर्देश दिए गए हैं। जुड़ चुके हमारे संवाददाता इस खबर पर, सोनू सिंह। सोनू, क्या शिकायतें मिल रही थी और क्या निर्देश दिए हैं सीएम ने? देखिए, लंबे समय से उत्तराखंड का, चाहे वो कुमाऊं मंडल का क्षेत्र हो या फिर गढ़वाल मंडल का क्षेत्र हो, लगातार पेट्रोल की और डीजल की समस्या उत्पन्न हो रही थी। और ऐसे में ये मामला पूरा का पूरा मुख्यमंत्री दरबार तक पहुंच गया और मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विशेष तौर पर मुख्य सचिव एन रविशंकर और खाद्य सचिव राधा राठौड़ी, इन दो प्रशासनिक वरिष्ठ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि सुनिश्चित कराया जाए कि जो चारधाम यात्रा मार्ग है वहां पर खास तौर से पेट्रोल या डीजल की किस तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको सुनिश्चित कर लिया जाए। जी शुक्रिया सोनू, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते, उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रशासन को सतर्क रहने के को कहा है। वहीं भूकंप के लिहाज से प्रदेश में संवेदनशील भवन को चिन्हित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। भूकंप का केंद्र भले ही नेपाल चीन सीमा पर है, लेकिन इन झटकों के बाद उत्तराखंड में लोगों के माथे पर चिंता साफ दिखाई दी। दरअसल उत्तराखंड भूकंपी जोन 4 और 5 में आता है और यहाँ कई बार कुदरत तबाही मचा चुकी है और मंगलवार को जब धरती हिली तो लोग सहम उठे। हालांकि इन झटकों से उत्तराखंड में कहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जिस तरह से नेपाल में तबाही मची है उसे भूकंप का कहर झेल चुके पहाड़ के लोगों के मन में डर बनना स्वाभाविक है। तो हमारे जिले में इससे कोई क्षति नहीं हुई है। भूकंप का जो परिमाण है 7.1 रिक्टर पैमाने पर बताया गया, जो कि भारी भूकंप है, बड़ा भूकंप है। सावधानी सुरक्षा की संदेश जो है प्रसारित कर दिए गए। बड़ा अर्थक्वेक उत्तराखंड में भी इसका एपिसेंटर हो सकता है, पर कब होगा ये किसी को नहीं मालूम है। सिर्फ हम तैयारी कर सकते हैं, यदि हम तैयारी हमारी अच्छी है तो हम किसी भी तरह के खतरे को झेल सकते हैं और उससे होने वाले नुकसान को बचा सकते हैं। उधर भूकंप के मद्देनजर प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रशासन को सतर्क कर दिया है, साथ ही सूचना के आदान प्रदान और संवेदनशील भवनों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है और किसी तरह का पैनिक क्रिएट न करने की अपील की है। हम पूरी तैयारियां कर रहे हैं। हम जो है पब्लिक को भी सेंसिटाइज कर रहे हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को भी, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस को भी ऐसी स्थिति में सहायता के लिए तैयार कर रहे हैं और नए भवनों आदि में उस तकनीक का उपयोग हो सके उसका भी हम उपयोग कर रहे हैं। और हमने संवेदनशील जितने भवन आदि हैं उनकी मार्किंग करने के भी आदेश दे दिए हैं। मैं समझता हूं कि पैनिक रिएक्शन की जरूरत नहीं है। साल 1991 उत्तरकाशी और 1999 में चमोली में भूकंप से भारी तबाही हुई थी, तब बड़ी तादाद में लोग मारे गए थे। और जब से हिमालय में एक बार फिर हलचल तेज हुई है तो शासन और प्रशासन का सतर्क होना भी जरूरी है। देहरादून से सोनू सिंह और पिथौरागढ़ से कोमल मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तराखंड में भी भूकंप के झटकों के बाद कई जगहों पर अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। श्रीनगर के चौरास कैंपस में स्टूडेंट्स परीक्षाएं छोड़कर बाहर आ गए। वहीं राजधानी देहरादून में रिहायशी इलाकों से लेकर दफ्तरों तक से लोग बाहर निकल आए। थोड़ा सा और तेजी हुआ तो हम तुरंत बाहर आए और बाहर पे जब तक सही नहीं हुआ तब तक यहीं रुके रहे, फिर अब थोड़ा सही है। नॉर्मल बाहर आके देखा कि सच में काफी लोग बोल रहे थे कि भूकंप आया है। भूकंप के झटके महसूस किया और मैंने बच्चों सहित घर से बाहर निकल के भागा। अब घबराहट तो होगी ही होगी, भूकंप तो नाम सुन के ही आदमी घबरा जाता है। भूकंप आया तो उस समय हम ऑफिस में थे तो ऑफिस का सारा स्टाफ एकदम से घबरा गया और हम सारा स्टाफ जो है ऑफिस से बाहर आ गए, क्योंकि कुछ दिन पहले नेपाल में भी भूकंप आया था, उससे पहले से एक डर बनी हुई थी। तो अचानक एक दो बार, फिर 10 मिनट बाद हल्का सा फिर झटका लगा तो हम फिर दोबारा बाहर आ गए।
नैनीताल के जिलाधिकारी दीपक रावत ने आपदा प्रभावित हरिनगर इलाके का दौरा किया, जहां उन्होंने अधिकारियों से वहां रह रहे सभी लोगों का फोटो सत्यापन कराने को कहा है। जिलाधिकारी के मुताबिक जो भी लोग सरकारी भूमि में रह रहे हैं उनकी लिस्ट हाईकोर्ट में पेश की जाएगी ताकि कार्रवाई की जा सके। आपको बता दें कि हरिनगर का इलाका आपदा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है और यहां हमेशा खतरा बना रहता है। अल्मोड़ा में नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने किसानों के मुआवजे को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और कम मुआवजा देने का आरोप लगाया है। अजय भट्ट ने कहा कि केंद्र ने बेमौसम बारिश से पहुंचने पर जो नुकसान हुआ वो कम से कम 1500 रूपये मुआवजा तय किया है, जबकि राज्य सरकार किसानों को 1000 रूपये दे रही है।